Hello students, we are continuing the second chapter of supplementary, the thief story written by Ruskin Bond. Anil makes friends with a young man and he trusts him completely. Does the young man betray his trust? Let's read again. When I was on the road, I began to run. अब यहाँ पर जो thief है, यानी हरि सिंह, named हरि सिंह, वो कहते हैं जब मैं road पर आया, I began to run. मैंने दौड़ना शुरू किया. I had the notes at my waist. और जो पैसे थे वो मेरी कमर में, मेरे पास थे, जो मेरी कमर में, held there by the string of my pajamas, जो पजामा की स्ट्रिंग थी उसके साथ मैंने उनको बांध लिया था. I slowed down to a walk and counted the notes. अब मैं धीरे धीरे चलने लगा और नोट गिनने लगा. 600 rupees of 50s, जो कि 50s के नोट में 600 rupees थे. I could live like an oil rich Arab for a week or two. और अब मैं जो अरब के रिच पर्सन होते हैं उनकी तरह एक या दो हफ्ते बिता सकता था. When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office. मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका. I had never bought a ticket in my life. मैंने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदा. But dashed straight to the platform. मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर ही पहुंच गया. The Lucknow Express was just moving out. जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो जाने ही वाली थी, जा रही थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड. और अब जो ट्रेन थी वो स्पीड पकड़ रही थी. एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज. और मैं उसकी किसी एक चलती चलती ट्रेन में, किसी भी एक डब्बे में, कैरेज में जंप करके चढ़ सकता था. बट आई हेजिटेटेड. लेकिन मैं झिझका. फॉर सम रीजन, किसी कारण से, आई कांट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं नहीं जानता क्यों. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. और मैंने फिर से ट्रेन में चढ़ने का या लखनऊ जाने का जो चांस था वो खो दिया. सो स्टूडेंट्स, बेस्ट पार्ट वी विल कवर इन द नेक्स्ट.